कि एक वक्त था जब कांग्रेस की जरूरत थी, हम खड़े थे, तो अब वो कहते हैं कि वो ब्याज उतारने की बारी। मैंने कहा आपको अवसर है कि आप हमारा जो हमने मदद किया था, वक्त है आपका। तो उन्होंने इंडिया एयरलाइंस के अंदर गोविंद जी डोटासा और अंदावा जी दोनों ने मदद किया। हालांकि वहां पर कुछ कांग्रेसी लोग थे जो मालवीय जी के साथ चले गए, मतलब 50-50 हो गया। मतलब जरूरी नहीं एक पक्ष में रहना या विपक्ष में रहना, एक एक लोबी अलग से भी है, आप निष्पक्ष में भी रह सकते हो। गवर्नमेंट गलत कर रही है, देश के अहित में कर रही है, आदिवासियों के अहित में कर रही है, दलितों के अहित में कर रही है, तो हम उसके विरोध में, मतलब जो विरोधी पक्ष है या विपक्ष है, उसमें भी हम शानदार भूमिका निभाएंगे। दूसरी चीज रही कि देश हित में, ट्राइबल हित में अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया था, हम उसका स्वागत भी करेंगे। मतलब हम, हमारी कोशिश रही कि ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष की भूमिका निभाएंगे। गलत होगा वहाँ विरोध करेंगे, सही होगा स्वागत करेंगे। तो मतलब राजकुमार रोज सबके हैं, क्योंकि जब आप एक तरफ मिठाई खिलाने जाते हैं गोविंद डोटासरा को, तो आप किरोड़ी लाल मीना के यहाँ भी पहुंच जाते हैं। एक तरफ आप जाते हैं अशोक गहलोत से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, जरूर भी है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। फिर आप भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। एक वक्त आएगा मदन लाल जी का और उनके साथ में पूरे मंत्रिमंडल का डीएनए टेस्ट हो जाएगा। ये बौखलाहट है उनकी, जो हारे बुरी तरह से। राजस्थान की जनता ने तमाचा मारा उनको जोरदार वाला। मतलब ये राजस्थान के अंदर जो परफॉर्मेंस रहा है, ये राजस्थान के वर्तमान कैबिनेट और ये मदन दिलावर जैसे मंत्रियों की वजह से स्थिति बनी है। वो तो 2-3 सीटें और थोड़ी रह गई। कांग्रेस सही तरीके से नहीं लड़ पाई, कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस कम था, कुछ लोगों ने ट्राई किया। ये बौखलाहट की स्थिति है। और मन्नालाल जी हालांकि अब सीनियर हैं उम्र में, लेकिन उनको तो आदिवासी कहने में भी शर्म आती है, वो गर्व से नहीं कह पाते। अगर कभी बोल भी देते हैं दबाव में, समाज के दबाव में, मतलब वो पार्टी के प्रति वफादार है, समाज के प्रति वफादार नहीं है। आदिवासी क्षेत्र का एक ऐसा लड़का जहां सुविधाओं का अभाव था, जन्म हुआ तो पिता का साया सर से उठ गया। उसके बाद मन में था कि टीचर बनना है, लेकिन रीट में कुछ नंबरों से रह गए। लेकिन शायद प्लान बी तैयार था या संयोग था कि राजनीति में आ गए। विधायक का चुनाव लड़े, अच्छे मतों से जीते। उसके बाद एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़े, वहां भी अच्छे मतों से जीते। और उसके बाद सांसद का चुनाव लड़ने की ठानी और वहां भी तमाम चुनौतियों को मात देते हुए 2 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की। जी हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के नव निर्वाचित सांसद राजकुमार रोत की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, जीत की बहुत बहुत बधाई और राजस्थान तक पर भी आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक साथी हैं उनको मेरी ओर से जोहार, और विशेषकर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर निर्वाचन क्षेत्र से मेरे वोटर अगर इस चैनल पे हों तो आपको खूब खूब धन्यवाद। परिस्थितियाँ विपरीत कहते हैं कि परिस्थितियाँ सब कुछ सिखा देती है। उम्र सिखाए नहीं सिखाए, लेकिन परिस्थितियाँ सबको सिखा देती है। तो परिस्थितियाँ डिफरेंस रही थी मेरे इलाके की, और मेरा जो, मैं जिस ट्राइबल क्षेत्र से आता हूँ, तो क्षेत्र में जो जिस तरह से गवर्नमेंट का नज़रअंदाज जो रहा था, और तो पहले से शुरुआत से आदत बनी थी कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर लड़ते रहना। और मैं खुद गरीब परिवार से था, तो मेरी एक मन में था कि गरीबों के लिए लड़ना, तो यही एक जो जुनून और परिस्थितियां यहां तक लेके पहुंची आज हमें। बिल्कुल, लेकिन परिस्थितियां बहुत डिफरेंट थी, कंफ्यूजन भी बहुत था, कांग्रेस वाला कांग्रेस का था नहीं, तो ऐसे में उन सारी चीज़ों को आपने दूर कैसे किया? देखो, वहां की जनता ने ठान लिया था इस बार कि परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन भी ऐसा कि जो पिछले, अगर हम आज़ादी के बाद से चुनावी व्यवस्था को देखें, तो बारी बारी से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और हमारे ट्राइबल इलाका है, एजुकेशन भी इतना नहीं था, लोगों में अवेयरनेस, मतलब वोटिंग को लेके भी अवेयरनेस नहीं था, तो उन लोगों ने सिर्फ मिसयूज किया एक बार बारी बारी से वोट देने का। तो हम लोगों ने सच्चाई बताई कि सांसद की भूमिका क्या रहती है, सांसद क्यों चुनते हैं, और हमारा रिजर्व कैटेगरी सीट है, तो रिजर्व का प्रावधान क्यों किया गया है, ताकि उस कैटेगरी का जाके प्रतिनिधित्व करें। तो सारी सच्चाइयां बताई, साथ ही जो उस समय परिस्थितियां बनी कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के रूप में मालवीय जी को जाना जाता था, और सीडब्ल्यूसी मेंबर भी रहे थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, लेकिन एकदम अचानक उनका जो भाजपा में जाना, और दूसरी चीज जिस तरह से वहां पर उन्होंने एक तरफा एक तंत्री राजशाही जैसा चला रखा था, तो जनता को बताया कि राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में नेता नहीं जनता ताकतवर होती है, और जनता हर 5 साल के लिए अपना नेता चुनती है, और जो नेता स्वयंभू मान ले उसको जनता वापस नीचे घर पे बिठा सकती है। ये बात जनता को समझाया,
जनता को हमने समझाया कि वोट एक हथियार है आपका, उसके तहत आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप अगर तानाशाही करता है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से मतलब वोटिंग के माध्यम से तमाचा भी ठोक सकते हो। तो सब ने ठान लिया था कि इस बार तमाचा ठोकेंगे। हमारे इलाके में कहते हैं हमके रगड़ा निकालना, और रगड़ा निकाला इस बार। लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस गठबंधन समय से कर लेती तो राजकुमार रोड की जीत के चांसेस और बढ़ जाते, लेकिन जब परिणाम आए तो सब हैरान हो गए और राजकुमार रोड एक बड़े अंतर से जीत करके आए। साथ ही साथ उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी उस क्षेत्र में आए और उन्होंने संविधान को लेकर भी बयान दिया, तो क्या ये जो बयान था ये बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया? और जिस तरह से समाज समय से अगर और गठबंधन हो जाता तो क्या ये जीत का अंतर और बढ़ सकता था? बिल्कुल, इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे हम, तो हमारी पर्सनल तैयारी के साथ लग गए थे, खुद की पार्टी के हिसाब से लग गए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस से भाजपा में मालवीय जी गए, तो कांग्रेस के लीडरों से भी हमारा संपर्क हुआ, उन्होंने भी कहा कि हम सबको मिलके लोकतंत्र बचाना है, साथ ही जो गद्दारी करके गए उनको सबक सिखाना है। हमने भी कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस की जरूरत थी हम खड़े थे, तो अब वो कहते हैं कि वो ब्याज उतारने की बारी। मैंने कहा आपको अवसर है कि आप हमारा जो हमने मदद किया था, वक्त है आपका। तो उन्होंने इंडिया एलायंस के अंदर गोविंद जी डोटासरा और अंदावा जी दोनों ने मदद किया। हालांकि वहाँ पर कुछ कांग्रेसी लोग थे जो मालवीय जी के साथ चले गए, मतलब 50-50 हो गया। जो भी हुआ ठीक हुआ, हम तो हमारी खुद के नेतृत्व में तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया एलायंस होने की वजह से हमारे वहाँ पर 2-3 विधायक जो हैं वर्तमान में, उन विधायकों और कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया, उसका प्रॉफिट हमें मिला। अच्छा, अब राजकुमार रोड किस साइड पे हैं? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चली, एक वक्त तो आपको भी सोशल मीडिया पर लिखना पड़ गया कि मैं एनडीए के साथ नहीं जा रहा हूं, या ये अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है। इंडिया गठबंधन में जाने से भी आपने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं वो ऐसा ही, आप फ्लोर का लीडर भी आपको बना दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि राजकुमार रोत है तो इंडिया गठबंधन में, क्या माना जाए? एक मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ संसदीय व्यवस्था को भी देखा, मतलब जरूरी नहीं एक पक्ष में रहना या विपक्ष में रहना, एक लोबी अलग से भी है, आप निष्पक्ष में भी रह सकते हो। गवर्नमेंट गलत कर रही है, देश के अहित में कर रही है, आदिवासियों के अहित में कर रही है, दलितों के अहित में कर रही है, तो हम उसके विरोध में, मतलब जो विरोधी पक्ष है या विपक्ष है, उसमें भी हम शानदार भूमिका निभाएंगे। दूसरी चीज रही कि देश हित में, ट्राइबल हित में अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया तो हम उसका स्वागत भी करेंगे। मतलब हम, हमारी कोशिश रही कि ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष की भूमिका निभाएंगे। गलत होगा वहाँ विरोध करेंगे, सही होगा स्वागत करेंगे। तो मतलब राजकुमार रोत सबके हैं, क्योंकि जब आप एक तरफ मिठाई खिलाने जाते हैं गोविंद डोटासरा को तो आप किरोड़ी लाल मीना के यहाँ भी पहुंच जाते हैं, एक तरफ आप जाते हैं अशोक गहलोत से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, जरूर भी है स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, फिर आप भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। आपकी जानकारी में होगा मैं पहले विधायक रहा हूँ, सेकंड बार भी विधायक चुन के आया हूँ, तो ये सारे साथी मेरे सदन के सदस्य भी रहे, मतलब साथी रहे हैं, और गहलोत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं। विचारधारा अपनी जगह है, मेरी विचारधारा मेरी आइडियोलॉजी से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत मेरा फर्ज बनता है कि मैं संबंध सभी से रखूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी उनका अच्छा रोल रहा था तो मेरा फर्ज बनता था, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी है तो उनको ताल ठोक के हमें कहना है कि हमारे इलाके में ये काम है आपको कराने हैं, तो मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं सिर्फ दूर से उनको गालियाँ दे दूँ, ये नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे क्षेत्र के जो विकास डेवलप को लेकर काम है वो भी उन तक पहुँचाने हैं। वो करते हैं तो स्वागत है, नहीं करते हैं तो हम जनता को बताएंगे कि ये भाजपा वाले बात तो ये करते हैं, आपके ये काम दिए थे ये काम नहीं कराएं। तो मेरी आइडियोलॉजी से मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो सत्ता में है उस तक मेरे क्षेत्र की आवाज पहुंचाना, और उसी भावना के अनुरूप मैं गया था इन लोगों के पास। आपने विचारों की बात की, राजस्थान तक के ही एक इंटरव्यू में मन्ना लाल जी ने अलगाववाद का जिक्र किया था, और अगर बात करें मदन दिलावर की तो उन्होंने भी ये कहा कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवा देंगे, उसके बाद आपका भी काफी गुस्सा। एक वक्त आएगा मदन लाल जी का और उनके साथ में पूरे मंत्रिमंडल का डीएनए टेस्ट हो जाएगा। ये बौखलाहट है उनकी, जो हारे बुरी तरह से, राजस्थान की जनता ने तमाचा मारा उनको जोरदार वाला, मतलब ये राजस्थान के अंदर जो परफॉर्मेंस रहा है, ये राजस्थान के वर्तमान कैबिनेट और ये मदन दिलावर जैसे मंत्रियों की वजह से स्थिति बनी है। वो तो 2-3 सीटें और थोड़ी रह गई, कांग्रेस सही तरीके से नहीं लड़ पाई, कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस कम था, कुछ लोगों ने ट्राई किया, ये बौखलाहट की स्थिति है।
और मन्नालाल जी हालांकि सीनियर हैं उम्र में, लेकिन उनको तो आदिवासियों कहने में भी शर्म आती है, वो गर्व से नहीं कह पाते। अगर कभी बोल भी देते हैं दबाव में, समाज के दबाव में, मतलब वो पार्टी के प्रति वफादार है, समाज के प्रति वफादार नहीं है। पार्टी के प्रति वफादार है, समाज के प्रति वफादार है। जिस सर्टिफिकेट लगा के रिजर्व कैटेगरी से वो आते हैं, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं समझते, वो पार्टी के टिकट की वैल्यू समझते हैं। तो पार्टी को खुश करना चाह रहे हैं, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वक्त आएगा उनको भी समाज एहसास कराएगा कि सर्टिफिकेट की वैल्यू है, टिकट की वैल्यू नहीं है। आपको राजनीति का भी अब अनुभव तो हो ही गया है, हालांकि 2018 से लेकर के 2024, 6 साल में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो ऐसे में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छे से नहीं लड़ी, अगर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और भी अगर बड़े चेहरे चुनाव लड़ते तो कितना फर्क पड़ सकता, बहुत कुछ फर्क पड़ता, कितनी सीटें आ सकती थी आपको? मतलब ये मेरा जहाँ तक मानना है, ये लोग सब मिल के तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो 25 में से ये 17 से 18 सीटें ले आते। हाँ, मतलब भाजपा को 7 से 8 सीटों पे रोक सकते थे ये लोग, लेकिन मिल के चुनाव नहीं लड़े। सबको अपना अपना सीएम बनने का ख्वाब है, सीएम के चक्कर में लगे हुए हैं सब। अब आपको क्या लगता है कि टूट फूट है कांग्रेस में या अब सब मिले हुए हैं? अब उनकी पार्टी है, अब मेरी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी में कैसे क्या है मुझे चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव को लेकर आपने सवाल किया था तो मेरा ये मुझे लगा कि ये लोग सभी मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। चलिए, अब आपका मास्टर प्लान क्या है 5 सालों का, किस तरह से उस क्षेत्र का विकास करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा अज्ञानता अभी भी है, हालांकि आपने काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है, इसके अलावा सुविधाओं का भी अभाव है। देखो, हमारे सामने काफ़ी मतलब कह सके कि मतलब समस्या बहुत सारी है हमारे इलाके के अंदर। मतलब गिने तो वो तो लंबा चौड़ा लिस्ट बने, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रही कि हम जितना हो सके, क्योंकि मैं मुझे खुद को पता है, मैं चुनाव में भी कहा है, मैंने चुनाव में कहा है कि वो कह रहे थे मालवीय जी या भाजपा वाले लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको विकास नहीं करा पाएंगे। मैंने कहा है मैं कुछ करा नहीं पाऊँ लेकिन लोगों को जागरूक जरूर करूँगा उनके अधिकारों के प्रति। और डेवलप की बात आती है तो पहले वाले जो थे उनसे बेस्ट कर काम करने की मेरी ओर से कोशिश रहेगी। दूसरे नंबर, उन लोगों ने जो गलत किया था, समाज का सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पे आके पार्टी की वफादारी की थी, वो मैं काम नहीं करूंगा। जिस सर्टिफिकेट से आता हूँ सर्टिफिकेट के प्रति वफादार रहूंगा। मास्टर प्लान की अगर बात करें तो मेरा कोशिश रहेगा एजुकेशन के क्षेत्र में बेस्ट काम करें। दूसरा, हमारे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा से लगा के टट्टा मामा बिल से लगा के सारे लोग लड़ते आए हैं, आजादी से पहले भी लड़े, मुगलों से, अंग्रेजों से, और आज आजाद भारत के अंदर भी ये समस्या हमारी कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जो 100 साल से बैठा हुआ आदिवासी, इसको जमीन का पट्टा नहीं मिला है। तो उस लड़ाई को हम तेजी से लड़ेंगे और ये समस्या का समाधान कराएंगे। लंबे समय से हमारे भील प्रदेश का, आप हालांकि इस बात को आगे मत खींच लेना ज्यादा, लेकिन भील प्रदेश की जो डिमांड चल रही है उस डिमांड को हम पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हेल्थ के सेक्टर में है, एजुकेशन के सेक्टर में है, इन सारे सेक्टरों में मेरी ओर से कोशिश रहेगी। 5 साल को आने वाले 20 साल का जो वर्क है मैं 5 साल में कराने की कोशिश करूंगा। 84 में भी उपचुनाव है, आपकी पत्नी लड़ेंगी, कोई और लड़ेगा? मेरे घर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, कोई भी हमारा आम कार्यकर्ता, आम जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी किसी को भी लड़ाएंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हुआ, अब कांग्रेस ने अपनी कमेटी भी गठित कर दी है 84 के लिए, तो ऐसे में अब देखो वो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र लड़ रही है, हम लोग भी स्वतंत्र लड़ रहे हैं, बीजेपी भी स्वतंत्र लड़ रही है, लेकिन अगर परिस्थिति बनती है तो वो देखा जाएगा से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, संभावना है कि सब स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि अगर स्वतंत्र लड़ेंगे तो उसमें नुकसान है या फायदा है? तो वक्त देखा जाएगा, आचार संहिता लगने के बाद ही हम डेट डिसाइड होने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करेगा, क्या कैंडिडेट कौन रहेगा, कैसे लड़ेंगे, स्वतंत्र लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से स्वतंत्र का रहेगा, बाकी वक्त पे डिपेंड करेगा। हमारे जो दर्शक राजस्थान तक के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी भी इस चैनल को देखते हैं, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन सबके लिए ये कहना चाहूँगा, मतलब तर्कशील बने और युद्ध की आवाज़ बनने वाले लोगों के साथ रहे, भले वो राजकुमार रोत हो, भले वो हनुमान जी हो या कोई भी हो। संविधान की रक्षा करने की हमारे सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि देश हमारा है, इस देश में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति रहता है, हर वर्ग से हमें प्यार प्रेम रखना है। किसी भी जो मतलब कहते हैं कि वो धर्म के नाम से जो माहौल बनाने वाले लोग हैं, इन ऐसे लोगों से दूर रहे। हमें मानवता सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति के बिना कुछ नहीं है, तो हमें प्रकृति और मानवता दोनों पे विशेष फोकस करके प्रेम भावना से रहना है। स्टेट को और देश को हमें आगे ले जाना है। स्टेट और देश तभी डेवलप हो पाएगा कि उस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति का विकास होगा
ही बाकी किसी एक वर्ग या एक धर्म के विकास या उसका नाम होने से देश या राज्य का विकास नहीं होने वाला। इसलिए हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को साथ में लेके चलने वाले लोगों के साथ खड़ा रहना है। और मानवता, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति ही सबसे बड़ा धर्म है, उसके आधार पर हमें काम करना है। धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार रोत, जिन्होंने आदिवासियों को भी खास संदेश दिया और साथ ही साथ अपने मानवता के बारे में भी बताया। कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आएंगे गणेश लेने पत्रकार बैठे कुछ 10 साल कितने दौड़े। मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक।